देश में जनसंख्या वृद्धि एक विकट समस्या इसलिए नहीं है कि यहाँ खाद्यान्न की किसी प्रकार की कमी है, बल्कि इसलिए अधिक चिंताजनक है कि इसने सामाजिक ताने बाने को छिन भिन कर दिया है। जनसंख्या का यह विकराल रूप जातिगत नहीं होकर धार्मिक आधार पर कई तेजी से दिखाई दिया है। बड़ी बात यह है कि कुछ विशेष समुदाय अज्ञानतावश अपनी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि करके अपने दूरगामी आंकड़ों में फेरबदल करना चाहते हैं। यही वजह है कि इन विशेष समुदायों की जनसंख्या वृद्धि दर अन्य समुदाय के मुकाबले 3.2% प्रजनन दर से बढ़ रही है, जबकि और समुदायों की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी है। बीजेपी और संघ अब जनसंख्या नियंत्रण को एजेंडा बनाकर पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी का राकेश सिन्हा आज इससे जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश कर सकते हैं। इस बिल में प्रस्ताव है कि समुदाय, क्षेत्र या जाति सभी स्तरों पर इसे समान रूप से लागू किया जाए। इसके अलावा 2 बच्चों की नसबंदी का भी प्रस्ताव है। इस बिल में कहा गया है कि 1993 में करुणाकर कमेटी ने जो जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में सुझाव दिए थे उसे ही लागू किया जाए। बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार द्वारा दूसरे टर्म में सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे पर काफी सक्रियता दिखाई जा रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद हुई बहस में भी इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ पार्टी के 5 सांसदों ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत पर प्रकाश डाला था। खास बात यह है कि सरकार ने मन बना लिया है कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक प्रभावी कानून बनाया जाएगा। इस कानून की आवश्यकता इसलिए भी जरूरी है कि कुछ समुदाय अज्ञानतावश बच्चों को गाजर मूली की तरह पैदा करके असंतुलन पैदा कर रहे हैं। भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। साल 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 16.76% रही है, जबकि 10 साल पहले यानी कि 2001 में हुई जनगणना में ये दर 19.92% पाई गई थी। इस जनगणना में मुस्लिमों की आबादी 24.6% की दर से तेजी से बढ़ी है, जबकि ईसाइयों की जनसंख्या वृद्धि दर 15.5%, सिखों की 8.4%, बौद्धों की 6.1% और जैनियों की 5.4% दर से बढ़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में हिंदू की आबादी 96.63 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का 79.8% है। वही मुसलमानों की आबादी 17.22 करोड़ है, जो कि जनसंख्या का 14.23% होता है। जिस द्रुत गति से मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उससे 2030 में हिंदुस्तान में 1/4 से अधिक मुस्लिम आबादी हो जाएगी, जबकि हिंदुओं की आबादी कुल जनसंख्या का 30% रह जाएगी। आंकड़ों की माने तो 2005 में भारत में हिंदू मुस्लिम के अनुपात में 50-50 हो जाएगा। इसलिए यह सरकार के लिए खतरे की घंटी है। इसकी वजह यह भी है कि कम बच्चे पैदा करने वाले वर्तमान में तो फायदे में है, परंतु आने वाला कल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे भारतीय संस्कृति पर भी एक प्रकार से संकट मंडरा रहा है। पेव रिसर्च सेंटर के अनुसार साल 2050 तक भारत सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश होगा। बड़ी बात यह है कि आज भारत मुस्लिमों की आबादी में दूसरे नंबर पर है। भारत सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून की सुगबुगाहट करने से कुछ कट्टरपंथियों के कान खड़े हुए हैं। ये कट्टरपंथी वही लोग हैं जो खुद तो वातानुकूलित कमरों में रहते हैं, पर जिनके लिए आवाज उठाते हैं वे सड़कों पर पड़ी गंदगी से पोलोथीन चुनते हैं। ये लोग उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने के नुकसान बताने की बजाय कम बच्चे पैदा करने पर ऊपर वाले का खौफ दिखाते हैं। दरअसल जनसंख्या वृद्धि दर ने कट्टरपंथियों की जमात की गिनती भी काफी बढ़ा दी है। ये लोग समुदाय विशेष को भ्रमित करके कच्चे घरों और 8x6 के कमरे में 9 बच्चों की पैदाइश कराकर कान में फूंक मारने चले आते हैं। लेकिन अशिक्षा और गरीबी में जकड़ा 9 बच्चों का बाप 50 की उम्र भी पूरी नहीं कर पाता, जबकि कुछ साल बाद 9 बच्चे भी सड़क पर पोलोथीन चुनने निकल पड़ते हैं। अब यह लोग बिलबिला रहे हैं। इस भीड़ की बदौलत देश की सत्ता में पहुंचने का ख्वाब देखने वाले ये कट्टरपंथी जनसंख्या नियंत्रण के विरोध में उतर आए हैं। खास बात यह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून किसी एक समुदाय के लिए बिल्कुल नहीं होगा, फिर इनकी तस्वीर पर क्यों फोड़ा उग रहा है ये समझ से परे है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ऐसी भी चर्चा है कि एक सीमा के बाद अगर कोई दंपत्ति बच्चे पैदा करता है तो उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, यहां तक उसे किसी सरकारी सेवा के लिए भी अयोग्य माना जाएगा। हो सकता है कि निर्वाचन आयोग भी ऐसे किसी कानून को मानने के लिए आवश्यकता महसूस करे जिसमें सीमा से अधिक बच्चे पैदा करने वाले को मताधिकार अथवा किसी भी प्रकार के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। इसके साथ ही सरकार नसबंदी अभियान भी लागू कर सकती है।
जिसमें पात्र व्यक्ति को भारी अनुदान दिया जा सकता है। लेकिन इस पर सवाल इसलिए भी उठ सकते हैं कि इसका लाभ कौन उठा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि 9 बच्चे पैदा करने वाला वहां तक पहुंचे ही नहीं। संसद में राकेश सिन्हा द्वारा आज पेश किए जाने वाले प्राइवेट मेंबर बिल से भी कुछ विरोधी चेहरे सामने जरूर आएंगे। देश इन लोगों के चेहरे देखकर जरूर अनुमान लगा सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर किस किस की तशरीफ पर यह गर्म रोड की तरह लगा है। पर फिलहाल तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा इस बार बहुत बड़ी चिंगारी बनने जा रहा है, जिसकी आंच दूर तक जाने वाली है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।